हेलो एवरीवन, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। 90% इवन 90% से ज्यादा लोगों के लिए ये फेज जरूर लाइफ में रहा होगा, कभी उनको लॉस हुए होंगे या होने वाले होंगे, क्योंकि कभी भी लॉस किसी को पूछ के नहीं होते हैं। रीजन बीइंग कि हमेशा हम सिर्फ प्रॉफिट का सोचते हैं, लॉस का कभी नहीं सोचते हैं। और जब आप एक्सपीरियंस होते जाते हैं तो फिर आप शिफ्ट करते जाते हैं लॉसेस पहले सोचने के लिए। तो मेरे साथ भी कुछ कुछ ऐसा ही हुआ है। तो आज मैं आपको लाइव अपने अकाउंट दिखाने वाला हूं, वो अकाउंट जो मैंने रिसेंट में शुरू किया है, 3-4 मंथ से मैं उसमें ट्रेड कर रहा हूं, और उसमें कैसे मुझे हिटबैक लगे, कैसे मैंने बाउंस बैक किया, और वो चीज आप लोग भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जब भी आपको लॉसेस होते हैं तो लॉसेस से आप बाहर कैसे निकल सकते हैं, या आगे आपको लॉस होंगे तो आप कैसे बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग अगर आपको करनी है तो आपको बिजनेस की तरह करनी पड़ेगी, और बिजनेस में लॉसेस और प्रॉफिट हमेशा बाय पार्ट्स हैं। तो उसी चीज को मैं आपको दिखाने वाला हूं मेरे अकाउंट के अंदर। तो आप लोग ध्यान से वीडियो देखेगा एंड तक, एक भी पार्ट स्किप मत करेगा, और कुछ भी आपको अगर लर्निंग लगेगा या आपको लगेगा कि अथेंटिक है, किसी के साथ शेयर करना चाहिए, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेगा। तो एक बार आपको स्क्रीन पे लेके चलते हैं और स्क्रीन पे दिखाते हैं आपको कि कौन से वेबसाइट्स में हम काम कर रहे हैं और कौन से अकाउंट के अंदर हमें हिटबैक या लॉसेस हुए थे। इसके अलावा बहुत सारे टेलीग्राम चैनल फेक खुल गए हैं हमारे नाम से, तो मैं यहाँ पे अटैच कर रहा हूँ अपने चैनल का QR कोड, तो सिंपली आप इसको स्कैन करिएगा और डायरेक्टली आप ज्वाइन कर पाएंगे हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को। तो ये आप देख रहे हैं अपस्टॉक का वेबसाइट का प्लेटफॉर्म है, चार्ट यहाँ पे लग रखा है, बट हमने अभी चार्ट से कुछ नहीं करना है, हम जा रहे हैं अकाउंट हिस्ट्री में, क्योंकि हमारा पर्पज क्या है कि जब भी बड़े लॉसेस होते हैं पहले तो होते क्यों हैं, फिर अगर हो रहे हैं तो वहां से कैसे हम रिकवर कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे आपको मेरा अकाउंट देखना पड़ेगा, और यहाँ पे रिपोर्ट्स के सेक्शन में जाके प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे देखो इक्विटी दिख रहा है, फ्यूचर एंड ऑप्शन दिख रहा है, कमोडिटी दिख रहा है। तो मैंने 100% जो ट्रेड करे हैं वो फ्यूचर एंड ऑप्शन में ही करे हैं इस अकाउंट के अंदर। तो मैं सिर्फ एक ही सेगमेंट आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे अगर आप देखना भी चाहें तो इक्विटी सिलेक्टेड है, गेट रिपोर्ट पे आएंगे तो आपको जीरो ही दिखेगा क्योंकि हमने इसमें काम नहीं करा है। अब यहां पे देखो मैं जो फ्यूचर एंड ऑप्शन में जा रहा हूं, ये अकाउंट मैं चाहूं तो मैं दिसंबर से लेके आपको दिखा देता हूं, बट ये अकाउंट जो ओपन हुआ है ये एंड ऑफ द जनवरी या फरवरी के आसपास हुआ है, उसके बाद कभी मैंने ट्रेड करे हैं कभी नहीं करे हैं। तो ये सारी ट्रेड आपको मेरी दिखा देगा जो अभी तक, मतलब आज है April 11th, तो आज तक के जितने भी ट्रेड होंगे तो वो इसके अंदर आ जाएंगे। सबसे पहले देखो यहां पर आपको क्या दिख रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब इस अकाउंट के अंदर पिछले 1-1.5 महीने से जब से मैं इसमें ट्रेड कर रहा हूं तो मुझे लगभग 1,30,000 का प्रॉफिट हुआ है, जिसमें से चार्जेस देखो कितने ज्यादा हैं 53,000 और प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है 76,000। अब आप एक चीज रिलेट करते रहना कि 76,000 अच्छा प्रॉफिट माना जाएगा, रीजन बिंग 76,000 एक अच्छी सैलरी मानी जाती है 1 महीने की या 2 महीने की भी, क्योंकि मतलब 35,000-40,000 के आसपास का मंथली अगर कमा रहे हैं तो भी आप इतना पैसा ही घर लेके जाओगे। अब ये तो हुई बात किस चीज की कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट एंड लॉस क्या है। एक्चुअल में जो चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो है ये, देखो पहला मेरा ट्रेड हुआ था इस अकाउंट में आई थिंक 25th of January को, उस दिन मुझे प्रॉफिट हुआ था 8,000 और नेट प्रॉफिट आया था 7,800, कुछ कुछ चार्जेस आप उसमें से माइनस कर दें। उसके बाद आपको यहां पे दिखेगा कंटिन्यूअसली क्या दिखेगा, चार्ट। अब इसमें आपको क्या दिख रहा है चार्ट के अंदर कि जनवरी में 4 ट्रेड लिए, चारों प्रॉफिटेबल हैं, फरवरी में कुछ ट्रेड लिए, कुछ में प्रॉफिट हुआ कुछ में लॉस हुआ। अब यहां पे एक चीज देखिएगा, फिर ये आ गया मार्च और वो आ गया अप्रैल। एक बार मैं इसको एक ही स्क्रीन पे लाने के लिए मैं यहां से क्या करता हूं, जनवरी से मार्च अप्रैल आज तक की डेट का सेलेक्ट कर देता हूं ताकि ये सारा एक साथ ही यहां पे आ जाए, अभी भी नहीं आ रहा है तो चलिए कोई बात नहीं इसको देखते हैं। अब यहां पे देखो मेरा जो लॉजिक है बोलने का वो क्या है, काफी अच्छे ट्रेड बिनिंग के हैं, पूरे फरवरी में देखो ज्यादातर ट्रेड बिनिंग के हैं, मार्च में 50-50 है, काफी ट्रेड में लॉस हुआ, देखो लॉस यहां पर दिखेगा 14,000, फिर आपको लॉस दिखेगा 2,000, फिर आपको लॉस दिखेगा 500, तो ऐसे लॉसेज चलते रहे और कुछ कुछ प्रॉफिट भी ऐसे ही चलते रहे, कहीं पे आपको 15,000 प्रॉफिट दिखेगा, कहीं पे 30 दिखेगा, कहीं पे 18,000 दिखेगा, तो ओवरऑल हम अभी भी प्रॉफिट में ही हैं, ये तो मानना पड़ेगा। अब हम बात कर रहे हैं कि जब आपको लॉस हो जाए या आप बड़ा लॉस लेके बैठ जाएं, जो मेरे साथ भी 2 बारी इस जर्नी में हो चुका है, हालांकि एक बार
मैं अकाउंट क्लोज करना भूल गया था, उसकी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है चैनल पे, अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं तो वहां पे चेक कर सकते हैं कि हमने ट्रेड एग्जिट कर लिया था, बट सडनली क्या हुआ, हमसे एग्जिट हुआ नहीं हुआ हम चेक करना भूल गए, और 320 पे हमें मैसेज आ रहा है कि आपका ऑर्डर अब सेटल हो रहा है, तो उस टाइम पे हमें लॉस हो चुका था। अब जो दो बड़े लॉस हमें छोटे अकाउंट के अंदर भी हुए, देखो उसमें से एक लॉस है 86,000 का। अब खुद सोचिएगा कि अगर मैंने 86,000 एक ट्रेड के अंदर लॉस करा है, और एक और ट्रेड ऐसा मिलेगा आपको जिसमें मतलब बड़ा लॉस है 79, ये देखिए 84,000 का, मतलब कि दो ट्रेड में ही मेरा लगभग 1,70,000 का लॉस है। अब आप इसको थोड़ा सा रिलेट करके देखिए अपने आप से भी कि अगर मैं दो ट्रेड में 1,70,000 का लॉस दे रहा हूं फिर भी मैं प्रॉफिटेबल हूं, तो इसमें क्या रहा होगा रीजन। और सबसे पहले देखो ये दो लॉस होने नहीं चाहिए थे, एज एक्सपीरियंस ट्रेडर मैं अपने आप से तो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करता हूं, बट हाँ हमेशा हर स्टेज पे कुछ ना कुछ चीजें होती रहती हैं। तो अगर ये लॉसेस मेरे 10,000-20,000 के भी होते तो भी मैं कम से कम 2.5 लाख के आसपास का प्रॉफिट में होता, बट हाँ जो प्रैक्टिकल है वो मैंने आपको दिखाया। अब इसके पीछे एक चीज आपको यहां पर कॉमन देखने को मिलेगी, वो क्या है एक बार स्क्रीन पे मैं आपको दिखाता हूं। ये देखो मुझे लॉस हुआ उसके बाद, ये था 20th of February के बाद, उसके बाद आप देखेंगे कि मैंने इमीडिएटली प्रॉफिट बुक करना शुरू कर दिया, जैसे ही मुझे 10,000-15,000 बन रहा था मैंने एकदम से स्कैल्प करके या फिर शॉर्ट ट्रेड करके बुक करना शुरू कर दिया। उसका फायदा क्या हुआ कि जो मेरा लॉस था 80,000 का वो 60 पे आ गया, फिर 40 पे आ गया, फिर 10 पे आ गया, फिर वो फिर पॉजिटिव शुरू हो गया। अब यहां पे आप देखेंगे कि अगर मैं ज्यादा देर वेट करता तो हो सकता है मुझे फिर से लॉसेस हो सकते थे। उसके बाद कंटिन्यूअसली देखो 3000 कोई बात नहीं प्रॉफिट आ रहा है, 6000 प्रॉफिट आ रहा है, यहां पे देखो 1600 प्रॉफिट आ रहा है, 5000 प्रॉफिट आ रहा है, 5000 प्रॉफिट आ रहा है, उसके बाद फिर 6000 से ज्यादा का प्रॉफिट आ रहा है। अब इसके बाद जो मेरे 7-8 ट्रेडिंग के डेज रहे उसमें मेरा वो 80,000 कवर हो गया, फिर से मैं न्यूट्रल आ गया। अब क्या हो गया, मुझे एक पॉजिटिविटी फिर से आ गई कि मेरा जो लॉस हुआ है वो मैं वापस ले रहा हूं। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, आप एक गैप ले लो, आप सेकंड डे थर्ड डे ट्रेड मत करो। और हां एक और चीज मैं बताना भूल गया, ये जो प्रॉफिट आपको छोटे दिख रहे हैं इसमें एक रीजन है क्वांटिटी को हाफ करना, ये भी मैंने अपनी एक और वीडियो में बता रखा है। पहले मैंने बहुत बार बोला जब मुझे लॉस होता है खासकर इतना लॉस जितना मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं तो मैं नेक्स्ट ट्रेडिंग डेज में क्या करता हूं क्वांटिटी को 50 कर लेता हूं कि अगर मैं फिर से गलत हुआ तो मेरे लॉसेस कम हो 50% हो, क्योंकि अल्टीमेटली देखो हम भी ह्यूमन बीइंग हैं, हम भी कभी ना कभी सेंटीमेंट में फंस जाते हैं, एग्रेसिव ट्रेडिंग करते हैं, बहुत सारी गलतियां हो सकती हैं और एक्सेप्ट करना मुश्किल हो जाता है कि लॉस हो चुका है। तो ऐसे सिनेरियो में अपने आप को बचाने के लिए अपनी क्वांटिटी को 1/4 कर लो, 1/3 कर लो, मतलब दूसरा हिस्सा कर लो, 50% कर लो, उससे क्या होता है ना आपका कॉन्फिडेंस बना रहता है। अब देखो सेकंड डेज भले प्रॉफिट 15,000 है, अगर मैं सेम क्वांटिटी से करता है तो मुझे 30,000 का प्रॉफिट होता, बट चांसेस ऑफ लॉसेस भी उतने ही बराबर होते, इसलिए भले ही छोटे प्रॉफिट है बट प्रॉफिट देके निकल जाओ। अब उसके बाद देखो ये डन है, उसके बाद मुझे छोटी छोटी लॉसेस हुए 14,000, देन 2,000, उसके बाद 500, और ये साथ के साथ क्या हो रहे थे कवर होते जा रहे थे। 3000 का प्रॉफिट आ गया, नल हो गया, ये देखो नो प्रॉफिट नो लॉस का सिनेरियो बैठ गया। यहां पे 6000 का प्रॉफिट आया, यहां पे लॉसेस देखो 1000 का लॉस। तो ऐसे लॉसेस के साथ ये फिर एक और हिटबैक मुझे लगा 84,000 का। अब तक लगभग आप मानोगे नहीं, मतलब 2 लाख के आसपास में प्रॉफिट में चल रहा था और सडनली एक हिटबैक लगा जिसने मुझे सीधे पहुंचा दिया 1 लाख के प्रॉफिट पे। अब उसके बाद देखो अगेन सेम फॉर्मूला, लॉस आया क्वांटिटी हाफ, फिर 14,000 का प्रॉफिट, 6,000 का प्रॉफिट, इस तरह से आप देखेंगे 33,000 का प्रॉफिट, और इस तरह से 9,000 का प्रॉफिट, और रिसेंट में अगर आप देखेंगे इसको नेक्स्ट अगर हम करें यहां से तो आपको दिखेगा रिसेंट में एक 49,000 का प्रॉफिट भी हमने बुक करा है, और यहां पे लॉस अगर आप देखेंगे तो 2000 या 6000 का। मतलब ये चार्जेस के साथ मैं बता रहा हूं, क्योंकि होता क्या है जब आपको लॉसेस हो तो आप ऑब्वियसली 2-3 ट्रेड लेते हैं उसके बाद मैं बंद कर देता हूं। तो मेरा फॉर्मूला क्या है आप सबके लिए भी, इससे ज्यादा प्रैक्टिकल शायद कोई नहीं बताएगा जो मैं चीजें बता रहा हूं। सबसे पहले क्या है, आप जिस दिन लॉस में हैं या आपको लॉस बड़ा हो गया है सेकेंड डे या आने वाले 2-3 ट्रेडिंग डेज में क्वांटिटी हाफ कर लो। दूसरा क्या है, आप ट्रेड ही मत करो,
इसका फायदा क्या होता है, जब आप आओगे ना आप बहुत पॉजिटिव से एनवायरमेंट या माइंड के साथ आओगे, जिससे आपके लॉसेस के चांसेस कम हो जाते हैं। तो अब आपने देखा कि लॉसेस हुए सबको होते हैं, बड़े लॉसेस हुए वो भी ठीक है, मतलब गलत है एक्चुअल में ट्रेडिंग के हिसाब से गलत है, बट ठीक इसलिए कि अभी भी अकाउंट पॉजिटिव में है। तो मेरा जो ओवरऑल आज की वीडियो का पर्पस है वो ये है कि ट्रेडिंग में पैसा बन सकता है, ट्रेडिंग में लॉसेस से रिकवर किया जा सकता है, आपका डिसिप्लिन और ज्यादा स्ट्रांग हो जाना चाहिए जब आपको लॉस होता है। प्रॉफिट में तो सब खुश हैं, लॉस में क्या करना है, क्वांटिटी को 50% कर लो, सेकेंडली 2-3 दिन के लिए ट्रेड मत करो, थर्ड जो भी प्रॉफिट आ रहा है उसको लेके निकल जाओ। अब बहुत सारे बोलेंगे सर इतने चार्जेस हैं, प्रॉफिट कम बन रहा है 5000 से, अरे कुछ तो आ रहा है ना, कुछ नहीं से कुछ बेहतर है, और वही कुछ नहीं से छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करने की वजह से आज भी जो आपको यहां पे दिख रहा है स्क्रीन पे 130,000 और 76,000 का प्रॉफिट, ये उसी ट्रेडिंग स्टाइल की वजह से दिख रहा है। तो आई एम श्योर बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन हो सकता है, सीखने को मिल सकता है। किसी को भी कोई भी डाउट होगा कमेंट में पूछिएगा, वीडियो अच्छा लग रहा होगा लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग को कभी भी मत छोड़िएगा। अगर आपने 2-3-4 साल इसमें दे दिए हैं तो अब आपका अच्छा फेस आना शुरू हो सकता है। हमने भी शुरू के कैरियर में या शुरू के दिनों में बहुत सारे लॉसेस करे हैं, बहुत छोटे छोटे प्रॉफिट ले जाना, फिर गलत ट्रेड करना, ओवर ट्रेड करना, तो टाइम के साथ सारी चीजें सीखी जाती हैं। तो अगर आप मार्केट को पैसा दे चुके हैं तो वापस आप उसको निकाल सकते हैं, सिंपल 2-3 फॉर्मूले जो मैंने बताए, और इसके अलावा कुछ आप अपने आप में देख सकते हैं डिफरेंट, तो वो भी आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो होप सो आपको अच्छा लगा हो, अच्छा लगा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और कमेंट करके अप्रिशिएट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।